हेलो एवरीवन दोस्तों, दो दिन से लगातार सोशल मीडिया पर इस साल के पावर कपल ली जंग सुक और आयु की बात हो रही है, जिसके बाद से आप में से हमारे काफी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे जो ली जंग सुक की लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए आज मैं आपको कोरिया के मोस्ट टैलेंटेड एंड चार्मिंग एक्टर ली जंग सुक के बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको के-पॉप और के-ड्रामा की हर एक न्यूज टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में जन्म लेने वाले ली जंग सुक ने अपने करियर की शुरुआत 15 इयर्स की एज में मॉडलिंग से की। इसके साथ ही ली जंग सुक सियोल फैशन वीक के सबसे कम एज के मॉडल भी रहे। वहीं ली जंग सुक ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर की, लेकिन उन्हें पहचान मिली उनके के ड्रामा स्कूल 13 से, जिसके लिए उन्हें KBS ड्रामा अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली। इसके साथ ही उन्होंने कुछ मूवीज भी की जिसमें उन्होंने टॉम क्रूज की ऑल टाइम हिट मूवी टॉप गन की कोरियन रीमेक में एज अ सपोर्टिंग एक्टर रोल प्ले किया। और यहीं से ली जंग सुक का टाइम बदलना शुरू हुआ, यानी अब वो टाइम आ चुका था ली जंग सुक का बड़ी छलांग लगाने का, जिसकी शुरुआत की उन्होंने के ड्रामा आई हियर योर वॉइस से। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंजर, डब्ल्यू, पिनोकियो, व्हाइल वर यू स्लीपिंग जैसे सुपरहिट वेब सीरीज भी की। वेल, मुझे तो उनका डॉक्टर स्ट्रेंजर और पिनोकियो काफी पसंद आया। दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ली जंग सुक का कौन सा ड्रामा पसंद है। वैसे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि MX प्लेयर पर डॉक्टर स्ट्रेंजर और पिनोकियो हिंदी में अवेलेबल है, जो कि आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही ली जंग सुक की कुछ मूवीज भी हैं जिनमें आप उन्हें मेन रोल में देख सकते हैं, जैसे VIP और नो ब्रीथिंग। दोस्तों, अगर ली जंग सुक की पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। इस बात का जवाब तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 24.8 मिलियन फॉलोवर्स ही देते हैं। वैसे ली जंग सुक काफी टैलेंटेड हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग और सिंगिंग के साथ साथ उन्होंने पियानो क्लासेस भी ले रखी है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ली जंग सुक तो काफी टैलेंटेड है, तो रुकिए, ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ली जंग सुक ताइक्वांडो भी सीख चुके हैं और चाइनीज क्लासिकल गेम बादुक, जिसे गो गेम भी कहा जाता है, जो कि काफी हद तक चेस जैसा होता है, उसमें भी मास्टर हैं। वैसे दोस्तों, ये आर्टिस्ट इतना टैलेंट लाते कहाँ से हैं? हालांकि एक इंटरव्यू में ली जंग सुक ने बताया था कि वो काफी शाय नेचर के हैं और कम ही बात करते हैं, लेकिन किम्बू विन, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे सारी बातें शेयर करते हैं। दोस्तों, आप किम्बू विन को तो जानते ही होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको उनका कौन सा शो पसंद है। वेल, ली जंग सुक अपनी 2 इयर्स की मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करने के बाद रिसेंटली 2 वेब सीरीज कर चुके हैं, जिसमें बिग माउस के लिए उन्हें देसांग अवार्ड 2022 दिया गया और डेसिबल को अभी भी पसंद किया जा रहा है। और अब ली जंग सुक आयु के साथ अपनी डेटिंग को लेकर काफी छाए हुए हैं और दोनों ही आर्टिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे हो।